वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी बेबी खान। तो हाज़िर हूं एक अनदर व्लॉग के साथ जो है शॉपिंग हॉल। और आपको यहां पे जी दिखाई दे रहे होंगे मेरे कपड़े जो हमने ली है, ये है एथनिक वन रंगजा और जनरेशन के कपड़े। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बैग तो सिर्फ इन दोनों के हैं लेकिन उसके अंदर रंगजा की भी है और जनरेशन की भी है। तो भाई शॉपिंग किसको नहीं पसंद, चाहे वो औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मर्द हो, सब शॉपिंग के लिए। कुछ लड़कियाँ और औरतें तो ज़्यादा ही शॉपिंग की दीवानी होती है, उनको तो शॉपिंग इतनी पसंद होती है कि बस पूछो ही मत। तो जी मैं आपको दिखाती कि ये मेरी शॉपिंग नहीं है, मेरी सिस्टर ने की है। मैंने गई तो मैं भी थी, बट मैंने रंगजा से और जनरेशन से बस दो चीज़ें ही उठाई है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो गया है तो ले जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बस मैंने कुछ ही शॉपिंग की है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सिस्टर ने क्या क्या लिया है। वैसे वो हर रोज़ ही शॉपिंग करती है इतनी ज़्यादा, बट एनी हाउ मैं दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या लिया है। तो चलो देखते हैं, मैं शेयर करूंगी अपनी बहनों की शॉपिंग आप लोगों के साथ। तो चलो देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिया है। जी सबसे पहले ये वन ब्रांड की कुछ चीज़ें हैं, तो ये दो बैग हैं, तो इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। तो जी ये सबसे पहले है, इसमें एक खूबसूरत बैग जो ब्राउन कलर में है और ये इसके होल्डर है। ठीक है, तो ये हैंड बैग है एक, बहुत ही खूबसूरत है, समझ नहीं आ रहा किस तरह का है बट बहुत ही क्यूट है। और जी ये कुछ मेरे ख्याल में प्लास्टिक मटेरियल के जैसा है। ठीक है, और जी ये है इसकी प्राइस, तो ये 4690 में था पहले और 50% ऑफ पे ये 2350 का मिला है, आई थिंक, मेरा ख्याल है। तो सिस्टर से मैं पूछ लूँगी, तो नहीं ये प्राइस नहीं हुआ तो मैं ज़रूर स्क्रीन पे शेयर करूँगी, वरना अगर ये प्राइस है तो वैसे आपको दिख रहा है वो। तो इसको खोलते हैं कि किस तरह है। तो जी जब इसको खोलते हो तो कुछ इस तरह से है इनसाइड, कोई पॉकेट वगैरह नहीं है, बस इस तरह ही है। और काफ़ी स्पेस है, मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें आ सकती है। और अंदर की तरफ भी वही प्रिंट है लेकिन बाहर से कुछ इस तरह का नज़र आता है। ठीक है, और अंदर से कुछ इस तरह का, तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये जी शोल्डर पे भी आप कैरी कर सकते हो, तो काफ़ी लंबा है इसका ये क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिप, आई थिंक स्ट्रिप ही कहते हैं। तो ये स्ट्रिप बहुत बड़ा है, तो मुझे ऐसे हैंडबैग अच्छे लगते हैं जिनके ये शोल्डर वाले स्ट्रेप लंबे होना, तो वो आसानी से फिर कैरी कर सकते हैं आप। तो जी ये रहा बैग, हैंडबैग जो बहुत ही खूबसूरत है। चलो तो देखते हैं और क्या है इसमें। और जी ये शूज़ है जो काफ़ी खूबसूरत है, वाओ ये देख लो। तो वो जी था चीता प्रिंट और ये है स्नेक प्रिंट। इस तरह मैं रख के दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से नज़र आएंगे। जी तो ये कुछ इस तरह के हैं, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत। और यहाँ पे अच्छा, इग्नोर माय नेल्स, क्योंकि हर चीज़ में एक दाग होता है, तो मेरे नेल पे भी एक दाग है, पेवंद लगा हुआ है तो जी ये जंजीर है। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बहुत बड़ी जंजीर लगी हुई है जी। तो जब आप पैरों में पहनते हो ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह लगते हैं, सब्र करो। ये देखो जी, हाँ इसकी आ जाओ हाथ में ना, तो ये इसकी प्राइस है। ठीक है, और जी ये साइज़ है 38, क्योंकि मेरी सिस्टर का पाँव बहुत ही लंबा है। और ये जी इसकी रही हील, काफ़ी लंबी हील है, कैसे कैरी करेगा कोई, मैं तो नहीं पहन सकती इतनी लंबी हील वैसे। तो जी ये है स्नेक प्रिंट में। अच्छा, तो मेरे साथ इस तरह के, मैं यूके से मैं लाई हूँ इस तरह के, तो वो अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं, कभी पहनने का मौका नहीं मिला, आई डोंट नो क्यों,
बट वो भी इस तरह के है, कुछ मिलते जुलते। ठीक है, तो ये रहे हमारे सैंडल और साइड से भी इस तरह के हैं, पीछे से कुछ इस तरह के ज़िप है। सही से दिखा दूँ ना ताकि अगर आप लोगों को लेनी हो तो पता चले किस तरह की है, और साइडों से भी आप देख सकते हो। तो जी ये रहे शूज़ और प्राइस आपको मैंने दिखा दी है। ठीक है सारा कुछ। तो इस बैग में देखते हैं इस बैग में क्या है। तो बस इसमें कपड़े मैं अलग से आपको दिखाती हूँ। तो जी ये ग्लासेस हैं, इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह है। कुछ लगते इस तरह के, काश मैं फेस दिखा सकती तो आपको दिखाती किस तरह लगते हैं पहने हुए, बट क्या करें मजबूरी है। तो ये जी इसकी प्राइस ये है और काफी खूबसूरत ग्लासेस है। हम इसको खोल कर देखते हो तो ठीक है, यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है और शेड ये है। ठीक है, काफ़ी नाइस लग रहा है ये भी और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। तो चलो चलते अब कपड़ों की तरफ। तो कपड़े मैं आप लोगों को दिखा दूँ कपड़े कौन कौन से लिए हैं। तो ये तो शूज़ हैंडबैग वगैरह हो गए, तो चलो कपड़े देखते हैं। तो जी कपड़ों में है हमारे पास सबसे पहले ये खूबसूरत टॉप जो है ब्लैक कलर में और बहुत ही खूबसूरत है। गला इसका इस तरह है, आप देख सकते हो फूल बने हुए हैं और वन ब्रांड से है ये भी और प्राइस है इसकी 3690 रुपीज़। ब्लैक कलर ब्लैक है। तो जी ये इधर से आस्तीन से ऊपर से ऐसा है, नेट की आस्तीन है। ठीक है, और नीचे से कुछ इस तरह दिखता है और पीछे और नीचे एंड में जो है वो कफ है, बटन लगे हुए हैं इस तरह। और मटेरियल इसका काफ़ी खूबसूरत मटेरियल है, आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट है और बस यहाँ पे बटन लगे हुए हैं और ये इस तरह का है। बहुत ही खूबसूरत टॉप है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट है जी। ये शर्ट है रंगजा से, तो इसका गला कुछ इस तरह का है, लॉन्ग नेक गला कहते हैं क्या कहते हैं आई डोंट नो, और पट्टी लगी हुई है नीचे यहाँ तक और एक एक यहाँ पे सीक्वेंस है और ये जो है ये प्रिंट है। ठीक है, और प्राइस है जी इसकी ये 3150, साइज मीडियम और आस्तीन इसके ऐसे है। ठीक है, काफ़ी खूबसूरत शर्ट है, ब्लू कलर में है, बहुत ही खूबसूरत और नीचे आस्तीन इसके ऐसे है और नीचे दामन पे भी आप देख सकते हो इस तरह की पट्टी लगी हुई है और पूरी शर्ट पे और आस्तीन पे एक एक इस तरह का फूल बना हुआ है। तो दूर से मैं दिखाती हूँ, काफ़ी खूबसूरत शर्ट है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये एक और शर्ट है हमारे साथ, तो ये है हमारे साथ नहीं हमारे पास, तो एक और शर्ट है हमारे पास, ये वाइट कलर में है और गला कुछ इस तरह का भी गला है। ठीक है, भी गला बना हुआ है और गले के नीचे इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है और टू बटन्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और मटेरियल भी काफ़ी इसका खूबसूरत मटेरियल है। तो लॉन्ग शर्ट है, नीचे गोल दामन है। ठीक है, और साइड पे जो है ये पॉकेट है, ये इस तरह के पॉकेट है दोनों साइडों से और आस्तीन इसके कुछ इस तरह के। तो
ये अंदर से ये पैड लगे हुए हैं शोल्डर पे, और मुझे काफ़ी इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं जिसके शोल्डर के नीचे ये पैड लगे होते हैं। क्योंकि आप अगर शोल्डर पे कुछ हैंडबैग वगैरह कैरी करते हो हैवी, तो इससे ये होता है कि शोल्डर को पेन नहीं होती। तो जी ये इसकी प्राइस है, सेल प्राइस पे मिला है उसे, काफ़ी खूबसूरत है। तो चलो चलते हैं, तीसरा शर्ट दिखाती हूँ मैं आपको। ये एक अनदर शर्ट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। प्रिंटेड है, ठीक है, और पिंक कलर में है, बहुत ही खूबसूरत। और ये ब्लैक एंड वाइट पट्टी लगी हुई है यहाँ पे, वी नेक वी गला बना हुआ है, ठीक है, वी गला बना हुआ है इस तरह का। और नीचे ये दो प्यारे छोटू मोटू टसल लगे हुए जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो पूरा शर्ट कुछ दिखता इस तरह है, तो ये पूरा शर्ट मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह दिखता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। और आस्तीन है जी इसके, वही जो इधर कपड़ा लगा हुआ है सेम वही कपड़े की आस्तीन है। और नीचे ये रबड़ है इस तरह, ठीक है, और पीछे भी वही आस्तीन का कपड़ा, बैक साइड भी उस तरह का है। तो आगे से पिंक है और पीछे से इस तरह की ब्लैक एंड वाइट, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये वाला ड्रेस, बहुत ही डिसेंट और नाइस कलर भी है और खूबसूरत ड्रेस भी है। और सूट है जो है जनरेशन से, रेनबो कलर है, बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और गले पे जो है इस तरह गला बना हुआ है, ठीक है, पट्टी लगी हुई है और काम हुआ है थोड़ा बहुत, जो काफ़ी नाइस और डिसेंट लग रहा है। और साथ में ये सीढ़ी लेस लगी हुई है जो काफ़ी अच्छी है और जो काफ़ी नीचे तक लगी हुई है। तो पूरे शर्ट में सर से लेके आखिर तक, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से, दोनों जगह पे सीढ़ी लेस लगी हुई है। और आस्तीन कुछ इस तरह के है, काफ़ी खूबसूरत, जिस तरह का गला है सेम उसी तरह के आस्तीन के आखिर में भी काम हुआ है। और गला कुछ इस तरह का है, पट्टी गला है, बहुत ही खूबसूरत, और कलर मुझे काफ़ी नाइस लगा है, रेनबो कलर है, पर्पल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं दिखाती जाऊँ ये प्राइस की, ओरिजिनल प्राइस है 9998 और सेल प्राइस पे ये है जी 7498, तो काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हो नज़दीक से भी। चलो तो मैं सलवार दिखाती हूँ इसका, का ट्राउज़र है, ट्राउज़र तो नहीं, पजामा टाइप है, आप देख सकते हो, क्योंकि टाइट है तो पजामे की तरह है। और मटेरियल काफ़ी इसका मुझे अच्छा लगा है, काफ़ी खूबसूरत मटेरियल है। तो वाइट कलर में है रेनबो के साथ, वाइट काफ़ी अच्छा जा रहा है। और पैर ये दुपट्टा है, प्रिंटेड दुपट्टा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी लंबा चौड़ा दुपट्टा है। और नीचे ये लेस लगी हुई है, समोसा लेस। तो जी ये फुल थ्री पीस सूट जो काफ़ी खूबसूरत है, आई नो थोड़ा सा प्राइसी है बट नाइस है बहुत ही ज़्यादा। एक और खूबसूरत शर्ट जो कि है रंगजा से, जो बहुत ही खूबसूरत है, गला कुछ इस तरह का है, प्रिंटेड है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ब्लू कलर है, तो उसमें ये बटन लगे हुए हैं और इस तरह का समोसा डिज़ाइन बना हुआ है नीचे तक, ठीक है। और लॉन्ग शर्ट है जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी लॉन्ग शर्ट है, यह तक बटन और समोसा डिज़ाइन बना हुआ है, पर यहाँ से जो है नीचे तक ये ओपन है, जैसा कि आप देख सकते हो ओपन है। और इसकी चौक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी लंबी चौक है। तो इस तरह का शर्ट जब पहनते हो तो काफ़ी खूबसूरत लगता है पहनने में। आस्तीन मैं दिखा दूँ तो आस्तीन बस ऊपर से ऐसे है और नीचे से इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, बटन लगे हुए हैं यहाँ पे साइड पे, तीन बटन लगे हुए हैं, ठीक है।
प्राइस है 3950 और साइज है मीडियम। मल्टी कलर है, काफ़ी खूबसूरत के साथ मैचिंग में हमने रंगजा से ही लिया है लेगिंग। तो लेगिंग की प्राइस है 1225, साइज मीडियम और काफ़ी खूबसूरत है ये भी। मटेरियल इसका काफ़ी नाइस और सॉफ्ट मटेरियल है। तो इसके साथ मैचिंग में हमने लेगिंग भी रंगजा से लिया है, क्योंकि रंगजा में ये बात अच्छी होती है कि आप अगर शर्ट लो तो शलवार मिलती है, शलवार लो तो शर्ट मिलती है, तो कोई वो नहीं होता, दिक्कत नहीं होती कि आप फिर दूसरे शॉपों में घूमो उसकी ट्राउज़र के लिए या शर्ट के लिए। तो सेम उसी का ही प्रिंट आपको मिलता है। हाँ, थोड़ा प्राइसी है, महंगा होता है, महंगा पड़ता है, लेकिन वहाँ पे ही आपको मिल जाते हैं। तो जी, ये रहा एक और खूबसूरत ड्रेस। एक और ब्लैक शर्ट हमने लिया है एथनिक से, जो काफ़ी खूबसूरत है। ब्लैक शर्ट पे वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई है जो काफ़ी नाइस लग रही है, आप देख सकते हो। तो गला बना हुआ है ऊपर से, इस तरह का लंबा गला बना हुआ है और नीचे पे ये अच्छा, ये और जो रेनबो शर्ट था, तो ये दोनों जो है वो फ्रॉक टाइप भी है और ए लाइन कह लो तो उस तरह का है, क्योंकि आप देख सकते हो दामन इसका काफ़ी चौड़ा है। ठीक है, तो एक साइड पे भी आप देख सकते हो इस तरह का काम हुआ है, पैच सा बना हुआ है, पर दरमियान में भी पैच बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा पैच है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साइड में भी फिर ऐसी ही एक पैच बना हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और आस्तीन ऊपर से बस ऐसी ही सिंपल है और नीचे जो है काम हुआ है और फिर ये जो है ना पाइपिंग हुई है ब्लैक एंड वाइट कपड़े से, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये शर्ट भी, इसका कपड़ा भी मुझे अच्छा लगा है, काफ़ी खूबसूरत कपड़ा है, इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। तो प्राइस मैं इसका दिखा दूँ, अच्छा तो इसका प्राइस है ये 4690 रुपीस और बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत है। इसको अगर आप ब्लैक लेगिंग के साथ भी वेयर करो तो अच्छा लगेगा, अगर वाइट लेगिंग के साथ वेयर करोगे तो और भी अच्छा लगेगा, काफ़ी खूबसूरत है। तो जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं दिखाऊं आपको ये खूबसूरत ड्रेस, जो कि है रॉयल ब्लू कलर में और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मुझे इतना पसंद आया है। अच्छा, तो ये पहले मैं आपको इधर दिखा दूं कि ये यहाँ चौक इसके खुले हुए है, ठीक है। तो फ्रॉक नहीं है बट फ्रॉक टाइप ही है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलो गले से स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको गला दिखाती हूँ इसका। तो गला कुछ इस तरह का है, एम्ब्रॉयडरी हुई है, बहुत नीट काम हुआ है, बहुत खूबसूरत काम हुआ है और मटेरियल भी काफ़ी खूबसूरत मटेरियल है। तो प्राइस है जी इसकी ये, अच्छा उल्टा साइड है, ठीक है मैं इस तरह करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो 6990 रुपीस इसकी प्राइस है, शर्ट कुछ इस तरह का है जी, चौक पे भी काम हुआ है खूबसूरत, दामन पे भी काम हुआ है बहुत प्यारा और एक एक फूल दरमियान में भी बना है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दूर से मैं दिखा दूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। और आस्तीन इसके है कुछ इस तरह के, आस्तीन भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी नाइस आस्तीन है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी जाके इस तरह का एक ले लूँ, थोड़ा सा महंगा है बट इट्स ओके, वैसे खूबसूरत भी तो उतना है। तो बेल्ट शलवार है इसके साथ और शलवार पे नीचे जो है काम नहीं हुआ है, ये प्रिंटेड है, ठीक है। शलवार के जो पैंचे है ये प्रिंटेड है, इस पर प्रिंट है, ठीक है। तो काफ़ी नाइस लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है ये ड्रेस भी, दूर से मैं दिखा दूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी खूबसूरत सूट है ये। तो जी, ये थी आज की शॉपिंग, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मेक श्योर अगर अच्छी लगी है तो
गाइज, ये थी आज की शॉपिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। जब तक आप मुझे आगे नहीं लेके जाओगे, मैं कैसे आगे जाऊंगी। तो और यूट्यूबर की तरह मुझे भी सपोर्ट करें, मुझे भी आगे ले जाए, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।